गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज से हम लोग इस रोबोटिक्स का डायनेमिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इन्वर्स काइनेमेटिक्स का पार्ट आपको सारा कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट स्टैटिक्स एंड मैनिपुलेटर डिज़ाइंस का है, जो पार्ट मैं इसके बाद में कंसीडर कवर करा दूंगा। बट अभी एक्चुअली क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं और जो चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका डायनेमिक्स है। ठीक है, तो मैं आज से आप लोगों को डायनेमिक्स पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं जो जो पार्ट कराता जा रहा हूँ, आप लोग उसको आराम से नोट करते चलिए। ठीक है, देखिए बेसिकली डायनेमिक्स है क्या। ठीक है, जो जो रोबोट का मोशन है, उस मोशन की स्टडी जो है ना, उसे ही हम डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डायनेमिक्स का चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ रोबोट। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ रोबोट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम जो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ रोबोट, यानी कि इट मीन्स द वे द मोशन ऑफ अ रोबोट अराइजेस ड्यू टू टॉर्क्स एंड फोर्सेस अप्लाइड एट द जॉइंट बाय द एक्चुएटर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखिए, डायनामिक्स का मतलब है हमारा कि रोबोट का मोशन किस तरह से हो रहा है, उसकी स्टडी हमें करनी है। ठीक है, नाउ रोबोट का जो मोशन हो रहा है, उस मोशन में हमें कि जो जो मोशन रोबोट में हुआ, वो किस वजह से हुआ, कि जो टॉर्क्स एंड फोर्सेस हमने जॉइंट्स पे अप्लाई किए, किस तरह से, बाय द मीन्स ऑफ अ एक्चुएटर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो हम स्टडी करेंगे, दिस इज कॉल्ड द डायनामिक्स। ठीक है, नाउ अभी स्टार्टिंग में जो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर द इक्वेशंस, हम डेफिनेशंस देखते चल रहे हैं। दैट इज अ सेट ऑफ इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब द डायनेमिकल बिहेवियर ऑफ अ रोबोट। वी ऑल्सो कॉल्ड इट हम इसे डायनेमिक मॉडल भी कह सकते हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड इट अ डायनेमिक मॉडल ऑफ द रोबोट। ठीक है, तो यहाँ डायनेमिक्स के चैप्टर में, डायनेमिक्स पार्ट में हमें ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है। ठीक है, नाउ बात आती है कि ये जो डेवलपमेंट हम कंसीडर करके चल रहे हैं, जो डायनेमिक्स दैट इज़ द मोशन ऑफ रोबोट, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, सो आई एम राइटिंग व्हाई दिस डेवलपमेंट इज ठीक है, इन सेवरल वेज। किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। ठीक है, मैं बताता जाता हूँ। दिस डायनेमिक मॉडल दिस कैन बी यूज टू डेवलप सुइटेबल कंट्रोल स्ट्रेटेजीज
देखिए डायनेमिक मॉडल से हम क्या कर सकते हैं कि जो जो हमारे रोबोट की कंट्रोल स्ट्रेटेजीज होंगी वो हम सुटेबल कंट्रोल स्ट्रेटेजीज डिज़ाइन कर सकते हैं किस तरह से, क्योंकि देखिए बात करें अगर हम एक सोफिस्टिकेटेड कंट्रोलर की बात करते हैं, ठीक है, तो एक सोफिस्टिकेटेड कंट्रोलर जो होगा ना वो एक रियलिस्टिक डायनेमिक मॉडल की बात करेगा। एक रियलिस्टिक डायनेमिक मॉडल हम रोबोट का कंसिडर करेंगे जिससे हम जो उसकी परफॉर्मेंस होगी उसको ऑप्टिमम लेवल तक ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे, ठीक है, ऑप्टिमम करने के बाद, और जो रोबोट के अंडर हाई स्पीड ऑपरेशंस होंगे जहाँ पर हमारे हमें मैक्सिमम कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी कि रोबोट के हमारे मोशंस जो हैं उनको, क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया, आपने जॉइंट जो है उस जॉइंट पर एक टॉर्क अप्लाई किया, ठीक है, एक्चुएटर की मदद से, ना आपका रोबोट मूव कर रहा है ना, अगर बहुत हाई स्पीड ऑपरेशन है तो आपको उसके मूवमेंट को स्टडी करना है, उसके मूवमेंट को एनालाइज करना है, तो डेफिनेटली आपको एक डायनेमिक मॉडल चाहिए जिस डायनेमिक मॉडल पर पहले आप पूरे का पूरे पार्ट स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये पार्ट की स्टडी नहीं पता है तो आप किस चीज़ का ऑपरेशन सक्सेसफुल देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो होता क्या है कि सम कंट्रोल स्कीम्स they rely directly on a dynamic model देखिए जो भी मैं आपको बात बताया था कि क्या होगा कि जब आप एक्चुएटर से जो टॉर्क है फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तो अगर आपके पास में मैं जो आपकी कंट्रोल स्कीम जो जिस डायनेमिक मॉडल पर बेस होगी उसी मॉडल की वजह से आप उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ना उस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज हम ट्रेजेक्ट्री फॉलो नहीं कर पाएंगे। देन सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक है, जो 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 हम अपने रोबोट का डायनेमिक मॉडल बनाएंगे उस डायनेमिक मॉडल को डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं उसे अपने कंप्यूटर में बाय द मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे रोबो एनालाइजर सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से हम बना सकते हैं। देन हम उसके 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 ट्रेजेक्टरी पाथ को है ना हम सिमुलेट करके देख सकते हैं क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं जो जो हमारा हम सिमुलेशन करते हैं उस सिमुलेशंस पे हम बहुत सारी ऑपरेटिंग कंडीशंस जो हमारी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली हैं उन सभी को हम सिमुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, उन सभी का सिमुलेशन करने से हमें रोबोट की एग्जैक्टली कई सिचुएशंस पता लग जाती हैं कि रोबोट हमारा बिहेव कैसा करेगा जब हम उन सारी कंडीशंस को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करेंगे या वो रोबोट हमारा रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल रोबोट बन के सामने हमारे पास आएगा। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं,
ठीक है। तो जो थर्ड पॉइंट हमारा बताता है वो क्या बताता है कि ये जो डायनेमिक एनालिसिस रोबोट का हमारा होगा, ये हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा, ये हमें बेसिकली जॉइंट रिएक्शंस बता देगा, ठीक है, फोर्स एंड मूवमेंट्स की, जो हमें किस लिए ज़रूरत होंगी कि जब हम रोबोट की डिज़ाइंस करेंगे, जो लिंक्स होंगी या बियरिंग्स एक्चुएटर्स, तो उनके उनकी डिज़ाइनिंग और उनके साइज़ के बारे में हम ये डायनेमिक मॉडल जो बनाएंगे, उस डायनेमिक मॉडल से ये सारे के सारे प्रेडिक्शंस हम साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ बात आती है कि जैसे अगर हमें कोई रोबोट दिया जाए, ठीक है, और हमें उसके फिजिकल पैरामीटर्स पता हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमें उसकी दो तरह की प्रॉब्लम्स डायनेमिक्स से रिलेटेड हमारे पास में आएंगी। ठीक है, नाउ जो चीज़ जो बात हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट लेट वी हैव अ रोबोट एंड वी नो द फिजिकल पैरामीटर्स। सो हेयर वी विश टू सॉल्व ठीक है, कि हमें हमारे पास डायनेमिक्स की दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो इसके पहले हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी वही सेम हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। यहाँ भी हमारे पास में क्या आएगी, वी कैन गो विद द इनवर्स डायनेमिक्स, वी कैन गो विद द फॉरवर्ड डायनेमिक्स। ठीक है, अब बात आती है कि इनवर्स डायनेमिक्स में हमें क्या फाइंड आउट करना है और फॉरवर्ड डायनेमिक्स में हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हमारा इनवर्स डायनेमिक्स है इनवर्स डायनामिक्स द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द एक्चुएटर टॉर्क्स और फोर्सेस। That is required to generate the desired trajectory. Okay. Of the robot's end effector. इसका मतलब क्या है, आप देखिए, आप समझिए कि जैसे मान लीजिए एक एक सिंपल रोबोट कॉन्फ़िगरेशन हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ये अब मान लीजिए कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स पर हमने एक टॉर्क अप्लाई किया, ठीक है, और ये जो हमारा एंड इफेक्टर है, ये जो एंड इफेक्टर लगा हुआ है, इस एंड इफेक्टर ने कंसीडर करते हैं ये पाथ फॉलो किया, ठीक है, कि जैसे ही हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया उसने ये पाथ फॉलो कर लिया। ठीक है, तो इनवर्स डायनामिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में डिजायर्ड ट्रेजेक्ट्री है, हम जानते हैं कि रोबोट को हमारे इस डायरेक्शन में ही मूव करना है, ठीक है, और अब इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमें डिटरमाइन क्या करना है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स पर हमने टॉर्क क्या लगाया है। इट मीन्स वॉट वी नो, वी ऑलरेडी नो द डिजायर्ड ट्रेजेक्ट्री एंड वॉट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड द एक्चुएटर टॉर्क्स। ठीक है, एक्चुएटर टॉर्क्स हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम होती है हमारी, सो दिस
ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, द सेकंड प्रॉब्लम इज द फॉरवर्ड डायनामिक्स। ठीक है, यानी कि अब फॉरवर्ड डायनामिक्स में हमें क्या पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले जिस तरह से इन्वर्स काइनेमेटिक्स और इन्वर्स काइनेमे फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और इन्वर्स काइनेमेटिक्स एक दूसरे के अपोजिट थे, द सेम वे फॉरवर्ड डायनामिक्स और इन्वर्स डायनामिक्स भी यही है। ठीक है, तो इन द फॉरवर्ड डायनामिक्स केस इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द रोबोट आर्म corresponding to some applied torque forces at the joint। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में पता क्या है, हमें वी नो द टॉर्क्स एंड फोर्सेस ऑन जॉइंट्स। और हमें फाइंड आउट क्या करना होता है, रिस्पॉन्स ऑफ रोबोट एंड इफेक्टर, या जिससे हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, दैट इज द ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो देखिए हमने इस सिचुएशन में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर गिवन विद द जॉइंट टॉर्क्स एंड फोर्सेस, और हमें क्या कंप्यूट करना है, वी आर कंप्यूटिंग द रिजल्टिंग मोशन ऑफ द रोबोट। ठीक है, हाँ, बात आती है कि ये प्रॉब्लम जो होती है हमारी फॉरवर्ड डायनामिक्स की, ये प्रॉब्लम नॉट क्रिटिकल एज विद द कंपेयर विद द इनवर्स डायनामिक्स। ओके, सो दिस इज नॉट इज दैट फॉर द इनवर्स डायनामिक्स क्यों, क्योंकि जब हम कंप्यूटर सिमुलेशन करते हैं ना, तो हम इस चीज को प्राइमरली कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, सिंस इट इज यूज्ड ऑफ अ रोबोट विच जस्ट शोज हाउ अ रोबोट विल परफॉर्म व्हेन इट इज बिल्ट। ठीक है, और जबकि जो जो इन्वर्स डायनामिक्स मॉडल होता है ना, वो हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस केसेस में, इन द केस ऑफ अ रियल टाइम कंट्रोल ऑफ रोबोट। ठीक है, दैट इज ऑन द अदर हैंड द इन्वर्स डायनामिक्स बिकम्स extremely important for the real time control of robot। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो डायनामिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमारी बनेंगी, ये हम किस तरह से बना के चलते हैं। ठीक है, तो
इसकी जो एक सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोच हम लोग पढ़ेंगे वो है यूलर लैग्रांजेस। ठीक है, यूलर लैग्रांजेस इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे खास बात है कि इस अप्रोच को यूज़ करने का हमारे पास एडवांटेज क्या है, हम इस अप्रोच को क्यों लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो इसका एडवांटेज मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि इस अप्रोच को जब हम यूज़ करते हैं ना, तो जो जो फोर्सेस के कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, वो हमारे डायनामिक इक्वेशन से गायब हो जाते हैं। ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाते हैं अगर हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को इंडिपेंडेंटली चूज़ किया है। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है, ये एलिमिनेशन हमारा हो गया, तो इस एलिमिनेशन से हमें फ़ायदा क्या है। इस एलिमिनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो द एलिमिनेशन ठीक है, सो दिस एलिमिनेशन मेक्स इट सुटेबल फॉर मोशन कंट्रोल एंड सिमुलेशन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए आपकी जो जो डायनामिक्स इक्वेशन आ रही है, ठीक है, उस इक्वेशंस में जितने कम पैरामीटर्स आपके पास में होंगे उतना आपके लिए कंट्रोलिंग करना आसानी हो जाएगी, और जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे उतना आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। अब और ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हमने एलिमिनेट किए ये हमारे एलिमिनेट ही रहेंगे, वी कैन रिकवर। ओके, सो अगर हम चाहेंगे, क्योंकि जैसे यूलर लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, जब हम यूलर लैग्रांजेस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारी ये गायब हो जा रहे हैं, तो अगर हम उसमें लैग्रांजेस मल्टीप्लायर का यूज़ कर देंगे ना, देखिए ये सारी सारी मैथमेटिकल टर्म्स हैं, आपको थोड़ा बहुत मैथ्स का आइडिया इसमें होना चाहिए, एडवांस मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो वी कैन रिकवर दीज एलिमिनेटर्स यूजिंग लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स। ओके, ये एक एक अप्रोच जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक दूसरी अप्रोच पे अगर हम जाने की बात करते हैं कि ठीक है सर, एक अप्रोच हमारी यूलर लैग्रांजेस हो गई, देन दूसरी अप्रोच अगर हम देखेंगे तो सेकंड अप्रोच इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन एंड यूलर लॉ।
ठीक है, ये देखिए, ये जो न्यूटन एंड यूलर्स इक्वेशंस मोशन की जो बनेंगी, ठीक है, ये हर हर लिंक के लिए, ठीक है, रोबोट में अगर मान लीजिए हमने टू लिंक काम बनाए तो इसमें दोनों लिंक के लिए अलग अलग हमारी इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, और ये इक्वेशंस हमारी हमारी क्या चीज़ बताएंगी, ठीक है, दीज इक्वेशन रिजल्ट्स इन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हमारे फोर्सेस और जो फोर्सेस के कंस्टेंट होंगे ना वो दोनों रहेंगे। अब देखिए, इसके पहले वाले जो हम मेथड देख रहे थे दैट इज़ द यूलर लैग्रांजेस मेथड, उसमें हमने क्या देखा था, जो फोर्सेस के कंस्टेंट्स थे वो कंस्टेंट्स हमारे कैसे हो जाते, एलिमिनेट हो जा रहे थे, जबकि यहाँ पर हमारे जो सिस्टम की इक्वेशंस बनी उसमें वो पार्ट एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है, और इन इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सभी फोर्सेस के लिए सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे कंस्ट्रेंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और इसमें वो कंस्ट्रेंट्स भी हमारे इंक्लूड हो जाएंगे जो कि हमारे मोशन में के उस लिंक के मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पर आपको लिखने जा रहा हूँ कि दीज इक्वेशंस कैन बी सॉल्व साइमल्टेनियसली फॉर ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग दोज ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स which do not contribute to the motion of the links but they are required for the link design but required for the लिंक डिज़ाइन। अब बात आती है कि अगर कोई सिर्फ इंटरेस्टेड है मोशन सिमुलेशन में करने में, ठीक है, तो वो इन कंस्ट्रेंट्स फोर्सेस को एलिमिनेट कर सकता है कैसे, जो ज्योमेट्रिक या काइनेमेटिक रिलेशंस जो जो कि नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करेंगे ना उनके जरिए, ठीक है, सो इट मीन्स ठीक है, देखिए यहाँ जो जो डायनामिक्स को सॉल्व करने की जो मेथोडोलॉजीज हैं हमारे पास में, ठीक है, कुछ अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजीज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जैसे कि डी एल एम्बर्ट प्रिंसिपल्स है, केन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, या जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेलोसिटी कंस्टेंट मैट्रिसेस मेथड है, ठीक है, तो इन सब मेथड का यूज़ करके भी जो है हम लोग रोबोट डायनामिक्स इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक बार मैं रिवाइज आपको आज बता देता हूँ कि आज की क्लास में बेसिकली हम लोगों ने देखा क्या क्या है, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने डायनामिक्स आज पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है, डायनामिक्स का आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट किए हैं, देखिए डायनामिक्स को सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि डायनामिक्स क्या है, तो हमने ये जाना कि जो जो इक्वेशन
ऑफ मोशन है रोबोट के लिए, ठीक है, कि रोबोट किस तरह से मूवमेंट करेगा, दैट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ रोबोट इज कॉल्ड द डायनामिक्स. सो द स्टडी ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है, द स्टडी ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ डायनामिक रोबोट इज कॉल्ड डायनामिक्स. दैट इज द वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टडी, ठीक है. सो द वे ऑफ मोशन ऑफ अ रोबोट अराइजेज ड्यू टू टॉर्क्स एंड फोर्सेज अप्लाइड द जॉइंट्स बाय द एक्चुएटर्स, ठीक है. अब बात आती है कि रोबोट का मोशन हो किस वजह से रहा है. तो हमने ये देखा कि ओके द रोबोट का जो मोशन है हमारा, उसका उसके पीछे रीज़न है वो टॉर्क और फोर्सेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं जॉइंट्स पर, ठीक है, बाय द एक्चुएटर्स. अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमने देखा कि जो सेट ऑफ इक्वेशंस हमारी बन रही हैं जो जो कि डिस्क्राइब करेंगी डायनेमिक बिहेवियर ऑफ रोबोट को, उसको हम क्या कह सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज द डायनेमिक मॉडल फॉर द रोबोट. दिस इज कॉल्ड द डायनेमिक मॉडल ऑफ द रोबोट. क्या चीज़? वो सेट ऑफ इक्वेशंस. अब बात आती है कि डायनेमिक मॉडल की ज़रूरत क्या है, ठीक है, कि क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत महत्वता है हमारे, ठीक है. तो ये जो डायनेमिक मॉडल है, ये डायनेमिक मॉडल हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे हम सुटेबल कंट्रोल स्ट्रेटजीज बना सकें. और सुटेबल कंट्रोल स्ट्रेटजीज की ज़रूरत क्या है कि जैसे हमारा रोबोट वर्क कर रहा है, ठीक है, अब रोबोट का जो मोशन हो रहा है, हमारा जो मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को हमें कंट्रोल कराना है, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ अ टॉर्क्स एंड द फोर्सेस वी आर अप्लाइंग ऑन द जॉइंट्स बाय द एक्चुएटर. तो हमें उनको जो कंट्रोल कराना है, ठीक है, उनको कंट्रोल कराने की जो मेथड जो मेथडोलॉजी हम बनाना चाहेंगे, जो स्ट्रेटजीज जाएंगे, उसके लिए हमें एक रोबोट का डायनेमिक मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिस डायनेमिक मॉडल पर हम पूरा का पूरा अपना सिमुलेशन पार्ट करके देखेंगे कि रोबोट बिहेव कैसे करेगा, ठीक है. सो क्योंकि जैसे कुछ सोफिस्टिकेटेड कंट्रोलर्स जो हमारे यूज़ होते हैं, जो रियलिस्टिक डायनेमिक मॉडल को यूज़ करते हैं, किस लिए? जिससे कि जो रोबोट की परफॉर्मेंस है हमारी, इट बिकम्स ऑप्टिमम, ठीक है, डेट इज़ द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस हमें मिले, कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस रोबोट नहीं दे सकता है. हम जितनी बेहतर परफॉर्मेंस रोबोट से डिजायर्ड है उतनी ले लेते हैं, ठीक है. तो जो कुछ कंट्रोल स्कीम्स हैं हमारी, वो डायरेक्टली रिलाई करती हैं इस डायनेमिक मॉडल पे, ठीक है. किस लिए? जो एक्चुएटर के टॉर्क्स एंड फोर्सेस हैं उनको 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 कंप्यूट करने के लिए, जिससे हमें रोबोट की डिजायर्ड ट्रेजेक्ट्री पता लगे, ठीक है. यानी कि जो कुछ कंट्रोलर हमारे किस पे रिलाई कर रहे हैं, दे आर रिलाइड ऑन द डायरेक्ट डायनेमिक मॉडल्स, ठीक है. किस लिए? टू कंप्यूट द एक्चुएटर टॉर्क्स एंड फोर्सेस विच आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिजायर ट्रेजेक्ट्री, की रोबोट की जो डिजायर ट्रेजेक्ट्री है उसको फॉलो करने के जो जो मीन्स है, उसके लिए हमने हम उस कंट्रोल स्कीम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है. अब ये जो डायनेमिक मॉडल हमारा बनता है, ये डायनेमिक मॉडल हमारा क्या होता है कि हम कंप्यूटर सिमुलेशन में डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं. और कंप्यूटर सिमुलेशन में उसको डायरेक्टली यूज़ करने से, उसके बिहेवियर को एग्जामिन करने से हमें ये पता लग जाता है कि अंडर द वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशन हमारा रोबोट किस तरह से बिहेव करेगा जब वो प्रैक्टिकली बिल्ट होकर हमारे सामने आएगा, ठीक है. सो बाय एग्जामिनिंग द बिहेवियर ऑफ अ मॉडल अंडर वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशंस, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ अ रोबोट विल बिहेव व्हेन इट विल बी बिल्ट, कि जब रोबोट हमारा बन जाएगा, प्रैक्टिकली बिल्ट होगा, तब वो किस तरह का बिहेव करेगा, ठीक है. देन नेक्स्ट द डायनेमिक एनालिसिस ऑफ अ रोबोट. ये जो डायनेमिक एनालिसिस ऑफ का रोबोट का है, ये हमें क्या देता है? जॉइंट रिएक्शन फोर्स एंड मूवमेंट्स की, जो हमें रिक्वायर्ड किस लिए होती हैं, जिससे हम रोबोट की का जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं रोबोट की, तो उसकी लिंक्स के, बियरिंग्स के एंड एक्चुएटर्स के जो जो साइज़ हैं हमारे, उन साइज़ को हम सही तरीके से कैलकुलेट कर पाएँ, इसके लिए हमें इस डायनेमिक मॉडल की ज़रूरत पड़ती है. देन इसके बाद हमने बात की कि जिस तरह से हम काइनेमेटिक्स के पार्ट में देखें, दर सेम वे इन द डायनेमिक्स पार्ट वी स्टडी की हमारी डायनेमिक्स प्रॉब्लम भी दो तरह की हो सकती है, डेट इज़ अ इनवर्स डायनेमिक्स एंड फॉरवर्ड डायनेमिक्स. अब बात आती है कि इनवर्स डायनेमिक्स में क्या हमने पढ़ा और फॉरवर्ड डायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा. तो हमने इनवर्स डायनेमिक्स में पढ़ा कि इनवर्स डायनेमिक्स में प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, कि हमें एक्चुएटर के टॉर्क या फोर्स डिटरमाइन करने होते हैं, ठीक है, जबकि हमें पता क्या होता है कि जो डिजायर्ड ट्रेजेक्ट्री, दैट इज़ द मोशन ऑफ रोबोट, हमें मालूम है. यानी कि वी नो दिस डिजायर्ड ट्रेजेक्ट्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुएटर टॉर्क्स फोर्सेस, ठीक है. और इस ये बेसिकली क्या होता है कि ये फॉर्मूलेशन हम कब करते हैं, जब हम रोबोट को का सिमुलेशन करते हैं ना, सिमुलेशन के समय में ये पार्ट हमारा हो जाता है, ठीक है. सॉरी
वो फॉरवर्ड डायनामिक्स का पार्ट है। और फॉरवर्ड डायनामिक्स में जैसा कि इन्वर्स डायनामिक्स का अपोजिट पार्ट है, ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द रोबोट आर्म। डेट इज़ अब हमें क्या जानना है कि रिस्पॉन्स ऑफ द रोबोट आर्म का मतलब है कि वो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी जिस ट्रेजेक्ट्री पर रोबोट हमारा मूव करेगा जबकि हम एक डिजायर्ड फोर्सेस या टॉर्क्स अप्लाई करेंगे जॉइंट्स पर, ठीक है। तो बात आई कि जो फॉरवर्ड डायनामिक्स है ये हमारे लिए उतनी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, ये बात की जा रही है फॉरवर्ड डायनामिक्स की। ओके, सो दिस फॉरवर्ड डायनामिक्स इज़ नॉट एज क्रिटिकल क्योंकि हम इसको प्राइमरली कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ यूज प्राइमरली फॉर कंप्यूटर सिमुलेशन। जब हम रोबोट का कंप्यूटर सिमुलेशन करते हैं वहाँ पर हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर चुके होते हैं। जबकि इन्वर्स डायनामिक्स का पार्ट क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है, बिकॉज दिस इन्वर्स डायनामिक्स यूज इन द रियल टाइम कंट्रोल ऑफ रोबोट, ठीक है। जब हम रियल टाइम कंट्रोल ऑफ रोबोट की बात करते हैं तो वहाँ पे ये इन्वर्स डायनामिक्स ही हमारे लिए ज़रूरी होती है, इसलिए हमारे लिए जो इन्वर्स डायनामिक्स का पार्ट है इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब बात आती है कि जो जो डायनामिक इक्वेशन हमारी फॉर्मुलेट होंगी इनको सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है मैंने आपको बताया कि मेथड इज यूलर लैग्रांजेज इक्वेशन, ठीक है, यूलर लैग्रांजेज इक्वेशन ऑफ अ मोशन। और बात आती है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेथड, बिकॉज इस मेथड में जो फोर्सेस से कंस्ट्रेंट हमारे लगते हैं, ठीक है, जब आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था तो आप वहाँ पर कंस्ट्रेंट्स को लगातार में कंसिडरेशन में लेके चले थे। तो इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं है ना, ये हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं डायनेमिक इक्वेशन से। और जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमारे पास इक्वेशन में कम आते हैं उतना हमें उसको सॉल्व करना आसानी पड़ जाती है, ठीक है। सो दिस एलिमिनेशन मेक्स इट सुटेबल फॉर मोशन कंट्रोल एंड सिमुलेशन। अगर हमें इन इन कंस्ट्रेंट्स को वापस रिकवर करना है तो वी कैन रिकवर यूजिंग द लैग्रांजेज मल्टीप्लायर। लैग्रांजेज मल्टीप्लायर की मदद से हम इन्हें रिकवर भी कर सकते हैं क्योंकि ये डिज़ाइन पर्पज़ में तो हमारे यूज़ होते हैं ना, अगर डिज़ाइन पर्पज़ में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब जो सेकंड अप्रोच है, जो सेकंड अप्रोच हमने पढ़ी डेट इज़ द न्यूटन एंड यूलर्स लॉ, ठीक है। अब देखिए न्यूटन एंड यूलर्स लॉ में क्या हुआ है, न्यूटन एंड यूलर्स लॉ में हमारा लैग्रांजेज मेथड की तरह से फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स एलिमिनेट नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, इंडिविजुअली हर लिंक के लिए एक एक इक्वेशंस बनी। तो इस तरह से हम कहते हैं न्यूटन एंड यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ईच लिंक, ठीक है। हर रोबोट की हर लिंक के लिए हमारी एक इक्वेशन बनी, ठीक है, और जिसे हम कंबाइनली क्या करते हैं, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन डेट कंटेन्स बोथ द अप्लाइड फोर्सेस एंड द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व साइमल्टेनियसली फॉर ऑल द फोर्सेस, ठीक है। इसमें हम उन कंस्ट्रेंट्स को भी यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे मोशन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स विच डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द मोशन ऑफ द लिंक्स बट वो लिंक डिज़ाइन में ज़रूरी हैं, ठीक है, बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर द लिंक डिज़ाइन। इसके पहले वाले मेथड में हमें क्या करना पड़ता था कि कंस्ट्रेंट्स को अगर एलिमिनेट हो गए तो लैग्रांजेज मल्टीप्लायर से वापस लाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। बारी आती है कि अगर हमें कि अगर कोई इंटरेस्टेड है मोशन सिमुलेशन में, सिर्फ मोशन सिमुलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो कंस्ट्रेंट फोर्सेस हैं हमारे, दिस कंस्ट्रेंट फोर्सेस इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं यूजिंग द ज्योमेट्रिक एंड काइनेमेटिक रिलेशन डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसके जरिए हम इनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो देखिए आज के इस पार्ट में हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था ये डायनामिक्स के बारे में, इसमें मैंने आपको बेसिकली जो भी डायनामिक्स का पार्ट था वो पूरा का पूरा बता दिया। लास्ट में मैं डेफिनेशन इसकी एक बार फिर से आप लोगों के सामने ले लेता हूँ, दैट इज दिस डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ forces and moments causing the motion in a system, ठीक है, इसे हमने डायनेमिक्स की स्टडी कहा है, ठीक है। फिर बात आती है कि जो हमारी हमने अभी मेथड्स के नाम देखे, दैट इज द न्यूटन यूलर इक्वेशन, ठीक है। इस मेथड को वेक्टर अप्रोच भी कहा जाता है, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज अ वेक्टर अप्रोच। और जो सेकंड मेथड है हमारा दैट इज यूलर लैग्रांजेज इक्वेशन,
इट इज यूलर लैग्रांजेस इक्वेशंस, इनको हम एनर्जी अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम डिटेल्ड में इन अप्रोचेस को पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो था, इस वीडियो में ये बेसिक पार्ट मुझे आप लोगों को बताना था। तो आई हैव डन फॉर द टुडेज क्लास, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।